बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम मोहम्मद शोएब सैयद और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। एवेन्यू मार्केटिंग पाकिस्तान रियल इस्टेट सेक्टर का एक ऐसा इदारा जो पिछले कई सालों से अपने पाकिस्तानियों की रहनुमाई में मसरूफ है। हम आपके लिए रियल इस्टेट सेक्टर से हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स की वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट्स करके ना सिर्फ आप अच्छा मुनाफा उठा सकते हैं बल्कि अगर अपनी रिहाइश भी उन प्रोजेक्ट्स में इख्तियार करना चाहें तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लिविंग स्टाइल भी इख्तियार कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों को अपने एक पुरानी वीडियो से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट की कुछ अपडेट्स देने जा रहा हूँ। व्यूअर्स, डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एवेन्यू मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली भी तमाम वीडियोज़ आप लोग आसानी देख सकें। व्यूअर्स, मैंने अपने पिछली वीडियोज़ में से एक वीडियो के अंदर आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, कराची के एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो कि M9 मोटरवे के ऊपर मौजूद है, 21 स्मार्ट सिटी जो कि 21 बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी और उसके बारे में बताया था कि वो बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर मौजूद है, एक क्लियर लैंड, एक क्लियर जगह है, तमाम NOCs उनके पास मौजूद हैं, तमाम चीज़ें क्लियर हैं। और उसकी बहुत ही ख़ास बात एक ये है कि वो प्रोजेक्ट जो है जिस लोकेशन के ऊपर मौजूद है उसी लोकेशन के ऊपर बैरिया टाउन का फेज़ 2 भी बनने जा रहा है। बहुत जल्द वो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, बहुत से लोगों को उसकी खबर हो चुकी है पहले ही, बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त जो है अभी उन लोगों को नहीं पता कि बैरिया टाउन का फेज़ 2 बनने जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के जस्ट ऑपोजिट बैरिया टाउन के फेज़ 2 की जो है वो डेवलपमेंट चल रही है और बहुत जल्द जो है वो उसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। तो सामने ही बिल्कुल बैरिया टाउन का फेज़ 2 होगा, तो इस प्रोजेक्ट की वैल्यू और दूसरे प्रोजेक्ट्स के हवाले से बहुत ही ज़्यादा होगी और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट ये कहलाएगा। चूँकि बिल्डर बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, जो कि आप मेरे अकब में जो वीडियो चल रही होगी उसमें देख सकते हैं कि मशीनरी लगी हुई है मुस्तकिल और काम कर रही है। जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो गेट है वो बन चुका है और गेट के अलावा जो अंदर कमर्शियल प्लॉट्स की कटिंग है उसकी डिमार्केशन तक हो चुकी है, मेन बुलेवर्ड जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तरफ अब काम हो रहा है मजीद और PMT आ चुकी है इनकी अपनी, क्योंकि ये HESCO और SSGC वगैरह के NOCs भी इनके पास मौजूद हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जिसके पास तमाम NOCs मौजूद हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। उस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आप लोगों को जो खबर देने जा रहा हूँ वो ये है कि इसके प्राइसेस इंक्रीज़ होने वाले हैं। बिल्डर ने नोटिफिकेशन अभी नहीं जारी किया है लेकिन बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। तकरीबन जो इस वक्त आप वीडियोस देख रहे होंगे, वीडियो में भी देख रहे होंगे, उस वक्त तकरीबन बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं होंगे क्योंकि 15 मई से लेके 20 मई के दरमियान की कोई डेट इन्होंने रखी है कि जिसमें ये प्राइसेस इंक्रीज़ कर देंगे। हो सकता है 15 मई को हो जाए, हो सकता है 20 मई को हो जाए और इन बिटवीन भी हो सकता है। और जो इंक्रीमेंट होगा प्राइसेस का वो ऑलमोस्ट 20% तक का जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो हमारी बिल्डर से बात हुई है। तो एक बेहतरीन लोकेशन का प्रोजेक्ट एक बेहतरीन प्राइसेस में इस वक्त, क्योंकि प्राइसेस बहुत मुनासिब हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 80 गज का प्लॉट सिर्फ 10 लाख रुपए में मिल रहा है यहाँ पर, वो भी 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पर। इसके अलावा 120 गज का प्लॉट, 200 गज का प्लॉट, 400 और 600 गज का रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पर मिल रहे हैं। और जो 120 गज का प्लॉट है वो सिर्फ 14 लाख रुपए का है, अभी 200 गज का जो प्लॉट है वो सिर्फ 28 लाख रुपए का है। इसी तरह जो मजीद प्लॉट्स हैं उनके प्राइसेस मैंने आप लोगों को डिटेल्स में बताए थे। मजीद फर्दर डिटेल्स लेने के लिए या इस प्रोजेक्ट के अंदर टाइमली बुकिंग करवाने के लिए हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, आप लोग इस पर रब्ता करके इस प्रोजेक्ट में जल्द अज जल्द बुकिंग करवा सकते हैं ताकि बाद में आप लोगों को हाई प्राइस के अंदर बुकिंग ना करवानी पड़े। इसलिए हमारे नंबर्स पर रब्ता करें, हम आपकी बेहतर रहनुमाई फरमाएंगे और आपकी बुकिंग करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद शोएब सैयद और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।